बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डेयरी फार्म के मुतालिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। इस फार्म के इन्फॉर्मेशन इस फार्म के जो ऑनर हैं उनसे लेकर पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। आज इस फार्म में एक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और ख़ास किस्म की जो भैंस है इसके मतलब इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो लें जी, सबसे पहले इस भैंस को देखें। ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और इस फार्म की सबसे आला किस्म की जो भैंस है ये आपको दिखाई जा रही है। इसके मतलब इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज हम शेयर करेंगे। इस फार्म में काफ़ी सारी भैंसें हैं, लेकिन इस फार्म की जो सबसे कह लें कि सबसे अच्छी वाली जो भैंस है वो ये वाली है। इसकी हर तरह की इसमें क्वालिटी मौजूद है। तो इस फार्म के इस फार्म की जो सबसे आला किस्म की भैंस है इनके मतलब इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो ये देखें, सबसे पहले आपको ये भैंस जो है दिखाई जा रही है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। तो इस फार्म के ऑनर से पूछेंगे जी, इसमें कौन कौन सी क्वालिटी पाई जाती है, कौन सी नस्ल की भैंस है, और इसके रेट के बारे में, इसके दूध के बारे में सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलें जी, इस फार्म के जो ऑनर हैं उनसे लेते हैं इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, माशाल्लाह नाम की अपना? सरमद जट। अच्छा सर, काफ़ी सारा माशाल्लाह थोड़ा तजर्बा है, काफ़ी सारी तुम भैंसा रखी दी ने। अं थोड़े को सिर्फ और सिर्फ इस भैंस के मुतलक जी अं दिखाई है ये मुतलक इन्फॉर्मेशन लावे। एक कि नस्ल की भैंस है थोड़े को? लीली रावी की भैंस है, आरफ वाले की। नीली रावी की आरफ वाले मिक्स ही आते हैं, लेकिन अभी तो जरा ना मंडी चु लेइए आरफ वाले। आरफ वाले मंडी चु? हाँ जी। अच्छा सर, कितनी देर तू भैंस थोड़े को? मेरे को तकरीबन तीन माह। मेरे को तीन माह तो सत्तवें महीने की गबनी जो ही लिया है। अच्छा सर, किस रेट से लैके आए हो माज? मैं जरा ना भैंस ली 2,80,000 की ली ही सत्तवें महीने की गबन। सत्तवें महीने की गबन? हाँ। अच्छा सर, ये उन्होंने तैयार है या सूपी है? ये रात की सूई है, सुबह 4 बजे की सूई है। रात की सूई है? रात की सूई है, सुबह 4 बजे सूई है, यानी सुबह आज ही सूई है लाल। ठीक है। इन्हें कटा दिता है मगर ये बच्चा है कटा। ठीक है। अच्छा सर, ये अच्छा सर, ये अच्छा सर, आज तुम भैंस का जो दुध है वो तो निकाले ही होगा, ये तकरीबन कितना दुध दिता जी? इन्हें 2 बाल्टी दुध दिता है, 8-8 किलो दिया, यानी 16 किलो ला लो तुम, यानी टोटल तुम 13-14 किलो ला लो। माशाल्लाह दिता ने दो टाइम, सुबह सुबह चोई है। सिर्फ एक टाइम का 13-14 किलो? 2 बाल्टियाँ बोला चोया, 2 बाल्टियाँ बोला चोया माइया ही, पूरी नहीं चोई। पूरी नहीं चोई? पूरी नहीं चोई माइया, ये भी हो जाए तुम्हारे सामने नजर आएगी, सू थाना दुध है उन्जी पे है। अच्छा सर, ये रेट के मुतलक सू दस दौ कि रेट जो उस तो बाद तो कुल रेट कि लगा जी? मेरे को रेट लगे था, मैं तो बेचता नहीं, लेकिन कल जो बंदे आए सन गुजरा वाले तो जी, उन्होंने पूरी शेदारी इतने जो आए हैं, कल मैंने देंगे पे 3,90,000 रुपया जी। मैं उन्होंने मज नहीं, मैं 5 लाख थले मज नहीं देंगे। मतलब थोड़े तो अंदाजे मुताबिक यह रेट जो 5,000 रुपया? 5 लाख रुपया? हाँ, 5 लाख रुपया, सॉरी 5 लाख। अच्छा सर, यदी तुम दसते पे हो जी नीली रावी की है, सानू इस मज की खास खूबी दस दौ कि अगर कोई वीवर या कोई दोस्त इस तरह की अच्छी किस्म की मज जी वह खरीदना चाहे तो कि चीज़ा कि खूबियां जड़िया ने मज के होंदिया ने देख के खरीदिया जा सकदियां ने? ब्लू नीले रंग की अखियां ने, काली सियाह मज है। ठीक है, सामने नजर आ रही पुठा छोड़ा जी, दूर ही बच्चा, कोई गल नहीं। मतलब नस्ल ही मही होंगी, क्वालिटी होंगी जी, लोकल मही इधर इलाके की कोई क्वालिटी है नहीं। दो तीन मही मेरे को बच्चे ने भी नहीं पहन दें, बड़ा मुश्किल करके उन्होंने चोना पैदा, जी नस्ली मजा होती है ना थले हाँ जी, तुम बारियों को पाओ ना पाओ नहीं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा सर, माशाल्लाह काफ़ी सारा तजर्बा है,
भैंस जी हूँ थोड़े को अज इन्हें बच्चा दिता है तो तकरीबन किन्ने अरसे तक दुध दे सकती है? देखो जी इन्हें दुद्ध इन्हें खुराक से लैना पैंता दुद्ध इन्होंने को भावें साल डेढ़ साल मेरे को दो दो साल दी नहीं सुइया दुद्ध दे देने दो दो साल तो साल साल दी सुइया मैं लिया भी है ना मेरे को आन के गबना हुई ने मेरे को भी मेरा गुरु जी ने कुछ नहीं निकली वह भी दुद्ध दें रही ने कुछ बन गई वह भी दुद्ध यानी डेढ़ डेढ़ साल तो दुद्ध दें पी ने मेरे को है नहीं चार तीसरे तीसरे चौथे चौथे महीने अच्छा मतलब सब तो अच्छी जी भैंस वाली है नहीं सब तो अच्छी है भी अच्छी है कोई बाहर वड्डी मई खड़ी है वो सामने जी वो छोटी बड़ी तगड़ी है एक है वड्डी मज है एक कोने बाहर है जी है मज खोल के बहाओ यार है वड्डी जड़ी है हां वड्डी मज है जी है चलो अच्छा सर जी नीली की ब्रीड जी तुसी मैं मज लाए के खासूसी तौर पे असल ब्रीड है किरे इलाके दी है देखो जी दरिया लगता इन इलाका दरिया का टोटल ही है जाता है जरा ना बड़ी दूर का बुरे बिहाड़ी तक जाता है बुरे बिहाड़ी जी मझे भी मेरे को है चार पाँच मझे बुरे बिहाड़ी दिन मझे बुरे बिहाड़ी के दरिया लगता समझ लो कि सारा ही जी लीली आते सारी समझ बेची आ जाए कवर हो जाए अमूमी तौर पर इतना तजर्बा है नीली की वैसे अमूमी तौर पर की कहा जाता है तजर्बे जो चीज़ गुजरी है ये कि दुध दी हूँ जी एक दिन के दुद्ध तो लोग झूठ बड़ा मारते हैं लेकिन मेरे को अज तक जो मंझ ने दुध दिता ना 14 to 15 किलो दुध दिता है ये 14 to 15 बंडे की जी फीड वगैरह पा के नहीं फीड पा के साधे पठे नहीं साधे पठे अस देखिए 5 to 4 किलो दे टाइम का जिन्हों पूरा शाम के देनी पूरा ही करिए सिस्टम तो फिर दे दी मैक्सीमम तुम एक मज वास्ते कि बंडा इस्तेमाल करते हो चार असं बंडा 100 किलो इन पाने 100 किलो बंडा ही पाने एक टाइम इन्होंने बाजारी बनाया पहले तो 1700 पुजता ही लेकिन 1700 to 1750 का मिलता पा सू कि मकदार शामिल कर दी 5 किलो कह रहे हो ये 2.5 किलो हों लेवीवर्स ये एक और भैंस है यहाँ पे मौजूद है जो इस फार्म में इसके मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा सर ये जो भैंस है ये कौन सी नस्ल की है? नीली दी अभी जी अच्छा सर ये जी मज थे को सब तो वही मज जी हुई है इस फार्म की नहीं मैं कुछ 6-7 8 मझा वड्डिया लेकिन इस टाइम टॉप क्लास की मई है जी और सोन तो बाद 10 दिन पहला ही सूई है ये 10 दिन पहला ही सूई है ठीक है। अच्छा सर ये बारे जी दस दौ ये तकरीबन कि दुध जो घर छड़ी है इन्हें मेरे को ना इन पूरा एक साल हो गया साल बाद सूती है जी साल ही मैंने काम शुरू किया हो गया तो साल बाद ही सूती है ठीक है तो तकरीबन इन्हें पिछले सूबे दिता है 17-18 लीटर दुध दी रही है 17-18 लीटर 18 लीटर दुध दी रही है लेकिन आज का जरा दुध बधाएगी इंशाला हूँ तकरीबन 7 किलो दुध है टाइम का 7 किलो हाँ 10 दिन हो गए सूई ने मैच शैल नहीं सुती बंडा शंडा नहीं पा रहे मज में बुखार हो गया अच्छा सर इन्हों तुम कोई ब्रीडर रखिया है तो नवे करवाने की या कोई टीका शीका लिखाते हो नहीं ब्रीडर भी है साढ़े को लेकिन टीका भी रखवाने ब्रीडर भी है कुछ मई ने जो ब्रीडर निकल आदि ने ना निकल फिर उन्होंने टीका रखाना पैदा हूँ पता लग गया ना जी जी नहीं निकल दी अगू उन्होंने टीका रखवा ठीक है ठीक है तो मैक्सीम कि खर्चा आ रहा ये डॉक्टर फर्को फर्क नहीं लेकिन अभी पक्का डॉक्टर रखे उन्होंने 400 रुपये देने अच्छा सर टीकों के सुने कोई फर्क होंगे कोई टीकों के ज्यादा पैसे जो लगते हैं अच्छा उन्होंने बारे में है तो इनफॉर्मेशन के टीके अच्छे है टीका अच्छी नस्ल का भी टीका है जो इंडिया का ठंडा जिन सुल्तान कहते हैं जी और एक मज ने मैं टीका रखा है 4000 रुपये का वो सामी मज है जी खड़ी में इस्तेमाल
ਅੱਛਾ 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੱਝ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਮੱਝ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਆ ਜੀ ਮੱਝ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਵੇਗੀ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟਾ ਦੇ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਦਾ ਬਰੀਡਰ ਤਿਆਰ ਘਰ ਦਾ ਬਰੀਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੱਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਰਖਵਾਇਆ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਲੀ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਨਸਲ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਇਹ ਮੱਝ ਨੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਫਿਰ ਸੁੱਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 28-29 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਛੱਡਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸਿਰਫ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਸੀ ਦੇਖੋ 5 ਕਿਲੋ ਸੁਬਹਾ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮ 8 ਪੈਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਪਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਉਤਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਲਏ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਹੀ ਸੁੱਟਣੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਲਿਆ ਖਾ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਵੰਡਾ ਖਾਏਗੀ ਸਿਹਤ ਹੋਏਗੀ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਲੇ ਵੀਵਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਲੋਕ ਕੋ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਮੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਭੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋ ਚੰਦ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਐਸੀ ਜਿਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਭੈਂਸੇ ਹੈ ਇਹ ਏਕ ਸੇ ਬੜਕਰ ਏਕ ਭੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਇਸਕੇ ਮੁਤਲਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪ ਲੋਕ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਲੇ ਜੀ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸਕੋ ਦੇਖੇਂ ਯੇ ਜੋ ਭੈਂਸ ਹੈ ਯੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਤੋ ਚਲੇਂ ਜੀ ਇਸ ਕੇ ਮੁਤਲਕ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਨਸੇ ਲੇਤੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਸ ਭੈਂਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਹਮੇਂ ਬਤਾ ਦੇਂ ਕਿ ਯੇ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਸੇ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੂਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਸਰੂਰ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੋ ਉੱਥੇ ਲਈ ਹੈ ਭੈਂਸ ਅੱਛਾ ਪਸਰੂਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਸਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਰਾਵੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੀ ਹੈ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਵੇਖੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਮੂੰਹ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਚੋੜਾ ਹੈ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਵੇਖੋ ਹੋਰੀ ਮੱਝਿਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੂਰਾ ਵਿਹਾੜੀ ਦੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਬੂਰਾ ਵਿਹਾੜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨੀਲੀ 'ਚ ਹੈ ਬੂਰਾ ਵਿਹਾੜੀ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਚਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 12 ਕਿਲੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਕਾ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਣੀ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਪਾਲਨੇ ਪਏ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕੀਆ ਬਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕੀਆ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੀਲੀ ਦੀ ਹੈ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਸਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਸਲੀ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚਵਾਉਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀਲੀ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਜੇ ਨਸਲੀ ਮੱਝਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਦੁੱਧ ਇਸ ਮੱਝ ਦੇ ਇਹਦੇ ਮੱਝ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ ਮੱਝ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 10-12 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 10-12 ਕਿਲੋ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ